नमस्कार जी, स्वागत है जी आपका। हाँ जी, नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। Thank you.
ये मेरी विनती रहेगी कि पहली पंक्ति खाली कर दें, ये वीआईपी के दूसरी पंक्ति भी पूरी खाली कर दें, ये खाली कर दें प्लीज। चीफ गेस्ट के लिए पीछे हो जाएंगे बाकी सभी, चीफ गेस्ट के लिए भाई प्लीज खाली कर दें। ये जो पूरी की पूरी रो है, पहली रो जो है खाली कर दें प्लीज, दूसरी रो खाली कर दें प्लीज, पीछे हो जाइए। विधायक विधानसभा क्षेत्र चंबा हमारे भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए बस्ती रहनी चाहिए। सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि उनके प्रेस बंधुओं के लिए वो अपनी प्रेस दीर्घा में चले जाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत कीजिए। इनको जो है उनको यथावत स्थान पे बिठाइए पिलाइए। उससे पहले कि हम अगला कार्यक्रम शुरू करें तो शब्दों से स्वागत करना चाहूंगा कि साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपके सर झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में खुशी दीप जलाते हैं, श्रद्धा के दीप जलाते हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का इसके साथ आए गणमान्य व्यक्तियों के लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगा कि खुदा ने क्यों खिलाते रंग। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से मेरा निवेदन करवत प्राप्त। हमारे बीच विराजमान इस 26वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को वेज व शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को वेज किया जा रहा है, तालियां आप लोगों की तरफ से जो है वो बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से बस्ती रहें। अभिमान तब आता है जब हमें कुछ लगता है कि हमने किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब लोगों को कुछ लगे कि आपने कुछ किया है। तो लोगों को लगता है कि आप अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए हमेशा ललायत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, तो उसी सम्मान में आपको ये शॉल और टोपी यहाँ पे भेंट की जा रही है। हमारे बीच विराजमान हमारे यूं कहूंगा मुखिया श्री सुमन मिन्हास जी को, जिनकी रहनुमाई में, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी की पूरी 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ बस्ती रहनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, फूल दरख्तों पे खिले हुए हमने गम ही देखे हैं, आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा खिलखिलाने वाले रहे चाहे।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री भानु प्रताप जी बैठे हुए हैं, कृपया उनको भी बैच पहनाकर सम्मानित करेंगे। कृपया वे अपने स्थान पे उसके पश्चात मदन जीवन सलारिया जी हमारे बीच विराजमान हैं, कृपया चमन जी बैच पहनाकर सम्मानित करें। उसके पश्चात विजय कटोच जी अभी यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट महिला भी, तो मैं आकर जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। अतुली सामने रखे से प्रधान खंड स्यूता से, प्रधान खंड चौड़ी से, प्रधान खंड महिला जी से कि वह हमारे दीर्घा में प्रेस दीर्घा में विराजमान प्रेस बंधुओं को, सभी प्रेस बंधुओं को बैच पहनाकर सम्मानित करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा कि वह हमारे बीच विराजमान हमारे जिला के प्रधान श्री पुनीत, मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया उनको भी बैच पहनाकर सम्मानित करें। इम्तियाज खान जी की सभी को जो है उनके यथावत स्थान पे बैच पहनाया जाए। आज जी श्री एच एस त्रिपाठी जी, श्री अशोक जी, श्री रुमाल सिंह जी, श्री रविंदर जी, इन सभी को बैच पहनाकर उनके यथावत स्थान पर सम्मानित करें। कोई गणमान्य यहाँ से छूट गया हो मेरे मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के इस स्वागत गोद के प्रभारी श्री याकूब मोहम्मद जी से, दीपा जी से और वाहिदा बेगम जी से कि कृपया प्रभारी याकूब शाह जी स्वागत गोद की अनुमति के लिए, निवेदन करूंगा कि स्वागत गोद की अनुमति के लिए मंच की ओर आ रहे हमारे आज के प्रभारी समारोह के मुख्य अतिथि महोदय जी, श्रीमान जी, हम आपसे पाठ पास करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के द्वारा दे दी गई है आज के हमारे इस स्वागत। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने यथावत स्थान पे खड़े होकर हमारे नन्हे नन्हे बच्चों का अभिवादन जो है स्वीकार। ये बच्चे आज यहाँ से विदा लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। माँ भगवती के प्रांगण में रहनुमाई में इन बच्चों ने अपने यहाँ पे चार दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता में अपने वीरता के जोहर दिखाए हैं। ये नन्हे नन्हे बच्चे माननीय मुख्य अतिथि महोदय दूर दराज के क्षेत्रों से की मुस्कुराहट बता रही है कि आज के युग में जब माँ बाप को बच्चा एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता, लेकिन ये बच्चे चार दिनों तक यहाँ पे इस आपके ऐतिहासिक चंबा के चौगान में अपनी वीरता के जोहर दिखाते रहे। माँ भगवती के प्रांगण में यहाँ इन्होंने अपने वीरता के जोर दिखाए। ये सबसे आगे खंड बनीखेत के बच्चे हाथ हिलाते हुए यहाँ से विदा लेते हुए, उसके पीछे ये खंड भरमौर के बच्चे, उसके पीछे खंड चुवाड़ी के बच्चे हाथ हिलाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ से विदा लेते हुए, उसके पश्चात खंड गरोला के बच्चे, उसके पश्चात ये खंड गहरा के बच्चे मुस्कुराते हुए, मुस्कुराने हैं आप लोगों ने बच्चों, हाथ हिलाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिवादन करना और हंसते हुए चलना है, हंसते हुए कुल कदम से कदम मिलाकर हंसते हुए आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को
ये खंड कलहेल के बच्चे माननीय मुख्य अतिथि महोदय सामने से गुजरते हुए छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए, छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है, वही खिलाड़ी होता है, वही खिलाड़ी होता है। ये वे खिलाड़ी हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपके सामने मंच से गुजरते हुए। तो दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, ये मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि तू दौड़ में अव्वल आए ये भी जरूरी नहीं। ये खान सलूनी के बच्चे तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं, दौड़ में शामिल होना जरूरी है। तेरा दौड़ में से गिर गिर कर दोबारा पुनः खड़े हुए हैं, सही तालियों से स्वागत सिहुंता खंड के बच्चों का जो हाथ हिलाकर अपने घरों को जाने की तैयारी में खुश मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जी का प्रसाद ग्रहण कर ये बच्चे माँ चामुंडा से आशीर्वाद प्राप्त कर आज अपने घरों को यहाँ से रुखसत होंगे, विदा होंगे, पुनः अपनी माँ की कोख में जाकर ये चंबा की हसी वादियों में घूमते रहे। उसके पीछे जोरदार तालियां, होस्ट ब्लॉक खंड चंबा, ये चंबा के बच्चे तालियां आपके ओर से बजती रहनी चाहिए। बच्चों को उनके यथा मेरा निवेदन रहेगा, पूरे स्टैंड के नीचे मल्टीटास्क वर्कर पानी पिलाने की व्यवस्था वहीं पे करवाएंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। ये बैठ जाएंगे सभी को। शब्द यहाँ से कहना चाहूंगा इन बच्चों के लिए कि राह आसान नहीं जिंदगी की, राह पर पछतावा नहीं करना, हार मिले तो पछतावा नहीं करना, लड़ाई अपने से करते रहना है, लड़ाई अपने से करते रहना है, अपनी कमियों को ढूंढना है और खुद को आगे के लिए तैयार करना है। हमें आमंत्रित करूंगा हमारे जिला स्कूली क्रीड़ा संघ के प्रधान श्री उपनिदेशक स्थानीय विधायक श्री नीरेंद्र अय्यर जी जो आज के हमारे इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं, बहुमूल्य समय में टाइम निकाल करके जो है वो बच्चों को और हम सब को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्यगण, हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान श्री पुनीत बिराला जी, महासचिव श्री देवराज ठाकुर जी और हमारे समस्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारीगण, अन्य सेंटर टीचर्स, अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका यहाँ पे पधारने पर धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर ये चार दिन की खेल कूद प्रतियोगिता जो है जिला स्तरीय हुई है, 6 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुई थी और आज 9 को जो है आपके कर कमलों से इसका क्लोजिंग सेरेमनी जो है होने जा रही है। हमारे 15 शिक्षा खंड हैं पूरे जिला चंबा में, उससे केवल पांगी ब्लॉक जो है वो नहीं आ पाया, वहाँ बारिश और बर्फ के कारण वहाँ के RC मैडम ने हमको परमिशन नहीं दिया। 14 शिक्षा खंडों से लगभग 1500 बच्चों ने जो है यहाँ पे भाग लिया है और सभी बच्चों ने शिक्षा खंड के जो टीमें हैं उन्होंने अपने अपने जौहर जो है यहाँ पे दिखाए हैं और बहुत अच्छा
टूर्नामेंट जो है वो बिना किसी विघ्न के जो है वो संपन्न हुआ है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। साथियों, वो खजाना क्या जिसकी ताली ना हो, वो खजाना ही क्या जिसकी ताली। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपकी शान में दो शब्द कहना चाहूंगा कि आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, वो शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयां करे। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हजूर, वो शह है आप जिन्हें सब झुककर सलाम करें, जिन्हें सब झुककर सलाम करें। हम झुककर आपको नतमस्तक होकर यहाँ पे हमारी जो 26वीं जिला स्तरीय समापन समारोह की आपने यहाँ चार चांद लगाए हैं आकर, उसके लिए आपका यहाँ पे सर झुकाकर यहाँ पे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये खेलकूद प्रतियोगिता माननीय मुख्य अतिथि हमेशा वो प्रयासरत रहे कि नन्हे नन्हे बच्चों के लिए मुझे कुछ कर गुजरना है, उसी के जी को भेंट किया जाए। मैं निवेदन करूंगा पुनीत निराला जी से, देवराज ठाकुर जी से और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जलते हैं सितारे तो आसमां में जला करें, जलते हैं सितारे तो आसमां में जला करें। हम भी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक चंबा सदर श्री नीरज नैयर जी, उनके साथ मंच पे विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री करतार सिंह ठाकुर जी, क्रीड़ा संघ के अध्यक्ष एवं उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सुमन कुमार मिन्हास जी, डिप्टी डीओ श्री जितेश्वर सूर्या जी, ओएसडी श्री उमाकांत आनंद जी, मुख्य अतिथि महोदय के साथ आए तमाम ब्लॉक कांग्रेस के सदस्य, जितने भी मेहमान हमारे यहाँ पे आए हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से और क्रीड़ा संघ की ओर से अपनी गीत दिल की गहराइयों से इनका यहाँ आने पर आभार करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मंच पे विराजमान जिला कार्यकारिणी में मेरे सहयोगी बड़े भाई देवराज ठाकुर जी, महासचिव कोषाध्यक्ष भाई राकेश कुमार जी, हमारे चीफ पैटर्न श्री चमन ठाकुर जी, श्री राजेश कुमार जी, हमारे वरिष्ठ उप प्रधान श्री इम्तियाज खान जी, हमारे ऑडिटर श्री नेक राम जी, सलाहकार श्री गुरुवचन राजपूत जी, सभी हमारी जिला महिला विंग की अध्यक्षा मैडम इंदु ठाकुर जी, उनकी पूरी कार्यकारिणी, मंच पर विराजमान हमारे सभी शिक्षा खंडों के खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, हमारे खंड अध्यक्ष, उनकी पूरी कार्यकारिणी, यहाँ पे इस खेलकूद प्रतियोगिता में कन्वीनियर ओएसडी के रूप में कार्य करने वाले हमारे अध्यापक साथी, बच्चों के साथ आए टीम कोच कंटिजेंट और प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं क्रीड़ा संघ का महासचिव होने के नाते एवं प्राथमिक शिक्षक संघ जिला चंबा का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 26वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो इस चंबा के ऐतिहासिक चौगान में हमने आयोजित की है और जिसका समापन है, इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए हमें बड़े सारे लोगों का सहयोग मिला जिला चंबा के। मैं उन सभी लोगों का अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया और इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने में हमारी मदद की। महोदय, ये जो खेलकूद प्रतियोगिता थी वो 6 तारीख से शुरू हुई थी और आज उसका समापन है। इस प्रतियोगिता में जिला चंबा के 14 शिक्षा खंडों के बच्चों ने भाग लिया। सिर्फ एक शिक्षा खंड जो हमारा पांगी था, वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पे स्नो पड़ गई थी, बर्फ पड़ गई थी साच पास पे। तो इन 14 शिक्षा खंडों से हमारे 1200 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और यहाँ पे उन्होंने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, क्विज और सांस्कृतिक जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं उसमें हिस्सा लिया। अब इस प्रतियोगिता के बाद हमारा राज्य स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता है सुजानपुर टीरा हमीरपुर में 26 तारीख से होने जा रही है।
और हमारे जिला चंबा से 130 बच्चों का जो एक टीम है वो उसमें भाग लेगी। पिछले वर्ष की बात करूं सर तो हमारे बच्चों ने बैडमिंटन में और वन एक्ट प्ले में राज्य स्तर में पहला स्थान हासिल किया था। इसी के साथ जो हमारी गेम्स हैं, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे खो खो है, चाहे हमारा वॉलीबॉल है, उन सभी में हमने सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाई थी। तो जिला चंबा का एक पूरे हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स के जो फील्ड है उसमें बड़ा नाम है। जब भी हमारा जिला कहीं पार्टिसिपेट करने जाता है तो जो टॉप के चार जिले हैं जिस खेलों में, जो सिरमौर है, शिमला है, सोलन है और चंबा का नाम उसमें लिया जाता है। तो इन्हीं अब ये जो बच्चे हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये सभी वहाँ जाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच से प्रिंसिपल बॉयज स्कूल, प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल, प्रिंसिपल टाइनी टॉयट्स, प्रिंसिपल जागृति पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल आर ए पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल BPS, इन सभी लोगों का हमें पूरा सहयोग मिला और इन लोगों ने हमें 1200 बच्चों को रहने के लिए अकोमोडेशन दी, क्योंकि चंबा शहर में इतने सारे बच्चों को रहने का प्रबंध करना काफ़ी मुश्किल है। महोदय, इनके लिए हमने खाने का जो इंतजाम था वो हमने अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया था। 4 दिनों तक बच्चों को वहीं हमने भोजन खिलाया। मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे IPS विभाग का, बिजली बोर्ड विभाग का, मेडिकल विभाग का, कि उन लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया, पूरी व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग किया। जिला जो लैंग्वेज ऑफिसर है, भाषा अधिकारी, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। मैं धन्यवाद, सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगा हमारे मीडिया का, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है उसको अच्छे से कवर करना, उसकी कवरेज करना, लोगों तक पहुँचाना और हमारा सहयोग करना, मैं मीडिया के कर्मियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने पूरा समर्थन हमें दिया। खास तौर पर हमारे किशोर गुप्ता जी, जो दिन रात हमारे साथ यहाँ काम करते रहे, हमें बताते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उनका भी धन्यवाद करूँगा। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग BO हैं, जाफर खान जी, जो दिन रात हमारे साथ लगे रहे, जब भी हमने इनको कुछ कहा ये लगे रहे। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे उपनिदेशक महोदय का, उनके पूरे कार्यालय का, कि जिन्होंने हमें पूरी छूट दी थी कि आप लोग इस काम को करें, हम आपके साथ हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी जो हमारे संगठन के लोग हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया, चाहे वो किसी भी खंड के थे, उन सभी का मैं इस मन से धन्यवाद करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुख्य अतिथि महोदय ने अपना हमें मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद भी हमें देना है और उसके बाद इन बच्चों को इनाम भी मिलने हैं, तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ पुनः एक बार मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का, जिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, उन सभी का अपनी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय प्राथमिक शिक्षक संघ। आने में और उसमें ये सफल भी रहे, लेकिन निराला जी, लोगों के सामने जोरदार तालियां एक बार बच्चों के आने पर और फिर बच्चों के जाने पर तालियां बजनी चाहिए। और इसके कर कर में प्रकृति ने अपना संपूर्ण सौंदर्य बिखेर रखा है। इसकी बहती ठंडी हवाएं हजारों सालों की संस्कृति का बखान करती है। इस सांस्कृतिक धरोहर को चंबा, जिसको एक अचंभा के रूप में जाना जाता है, ने संभाल कर रखा है। वही सुन्नी भूकू कुंजू चंचलो फुलमू रांझू की प्रेम गाथाएं प्रचलित है, तो दूसरी ओर बलिदान की अमर लोक गाथा रानी सुनैना का बलिदान, जिनके बलिदान से चंबा में पानी की कमी को पूरा किया गया था और उनके बलिदान स्थल पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है और मंगल गान से उसे घर घर याद करते हैं। रे चंबा का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये नृत्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस नृत्य की एक झलक आपके
चार तालियां इन बच्चों के लिए। कोई इंसान बहुत है, सुन रहे हैं, जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, दिल के दर्द सुनाए तो किसको, दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। और मुस्कुराओ यारो, अरे मुस्कुराओ यारो, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन भला किसको कम है जिंदगी में, टेंशन भला। अगर खुशी के मौके पे इकट्ठे हुए हो तो हंस तो दो, मुस्कुरा तो दो, टेंशन अपने घर में रखना, बहुत सारी टेंशन जिंदगी में अपने घर में छोड़ कर आइए। बच्चों ने इतना अच्छा नृत्य दिखाया, जरा जोरदार ताली तो बजाइए। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इस बात का पता चलना चाहिए कि यहाँ पे 26वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो रहा है। अभी हाल ही में हमने खंड की अपनी क्लोजिंग करवाई, तो मैंने अध्यक्ष महोदय जी से कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय 15-20 मिनट तक हमारे साथ नाचेगी। अगर खुशी का मौका है तो खुशी आप लोगों के बीच ज्यादा देर नहीं होगा, लेकिन दो शब्द माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ से कहूंगा कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, आप लोगों के काम की चीज है मेरे साथियों की, कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं। नगमे वफा के हर साज पर गाए नहीं जा सकते, नगमे वफा के हर साज पर गाए नहीं जा सकते। आपका मिजाज, आपके अंदाज इतने अजीज हैं हमें कि नाम लेकर हम आप मंच पर बुलाए नहीं जा सकते। तो आपकी तालियों के बीच मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री नीरज। तो मैं 14 खंडों से आए हुए बच्चे, आज जो यहाँ तकरीबन 1200 बच्चे के करीब मुझे बताया गया है, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज इस उत्सव, आज इसकी 26वें डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आपका खेल कूद प्रतियोगिता है, आज इसका समापन समारोह आज यहाँ हम मना रहे हैं। और इस मौके पर मुझे आज यहाँ आपने मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। मैं सारी जितनी भी आपकी टीचर्स की एसोसिएशन है, मेरे ब्लॉक के अध्यक्ष कठार ठाकुर जी, मेरे ब्लॉक की सारी कार्यकारिणी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी, और साथ ही में मेरे साथ आए हुए मेरे पार्टी के सारे साथी, और ख़ास तौर पर डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री सुमन मिनास जी, मेरे साथ पीछे खड़े पुनीत निराला जी जो कि पीटीएफ के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, श्री देवराज जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, वह उनकी समस्त कार्यकारिणी, हमारे डिप्टी डीईओ जितेश्वर सूर्य जी, ओएसडी उमाकांत आनंद जी, ऑर्गेनाइजर कमेटी के अध्यक्ष श्री जाफर खान जी, पीटीएफ के सभी खंड प्रधान व उनकी कार्यकारिणी, मैं सबका जो है सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा और सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि आज ये चार दिन की जो खेल कूद जिसका आज समापन समारोह मनाया जा रहा है, आप सब जो है बधाई के पात्र हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा खंड के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि नींव जो है वो यहाँ से ही खड़ी होती है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेल कूद की बात हो। तो आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि चार दिन जो आपने सबने मिलजुल के जो कार्य किया और उसके कारण जो है आज ये बेहतरीन जो है इसका जो है अंत जो है होने जा रहा है इस प्रतियोगिता का, और आप सबको बधाई देना चाहूँगा। और साथ में जितने भी बच्चे दूर दूर से अलग अलग इलाके से आए हुए बच्चे, मुझे बताया गया है कि खाली पांगी खंड जो है वो रह गया है,
वरना 14 खंडों से जो बच्चे यहाँ जो हैं एकत्रित हुए हैं। तो बच्चों आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया गया कि तकरीबन 130 बच्चे जो है यहाँ से जो है वो स्टेट लेवल के अंदर जो है पार्टिसिपेशन के लिए सुजानपुर जाएंगे। और जो बच्चे इस बार नहीं 130 के अंदर पहुंच सके उनको भी जो है दुखी होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो खेल कूद है, आज नहीं आए अगली बार चले जाएंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टिसिपेशन जो है, हिस्सा लेना जो है, वो सबसे बड़ी बात है। और हार जीत तो बात की बात होती है, आज कोई हारा है कल कोई जीतेगा, तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है, कड़ी है, ये चलती रहती है। तो सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से जो है बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आजकल बच्चों खेल कूद जो है आपके जिंदगी का एक बहुत ही एक अमूल्य अंग जो है ये बन चुका है। और एक वक्त ऐसा था जब बच्चों को ये बोला जाता था कि आप खाली शिक्षा पे ध्यान दें, खेल कूद पे इतनी जो है इम्पोर्टेंस जो है इसको दी नहीं जाती थी। लेकिन वक्त बदल रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई जब यहाँ मन से यहाँ जब भाषण दे रहे थे तो मुझे बताया गया कि पिछले इस वर्ष भी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है बैडमिंटन के अंदर और अन्य कुछ प्रतियोगिताओं के अंदर जो है अव्वल नंबर पर आए। तो ये हमारे चंबा ज़िला के लिए जो है बहुत गर्व की बात है। वैसे भी मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा, जहाँ आज आप इस प्रतियोगिता के लिए बैठे हैं, ये चंबा का ऐतिहासिक चौगान है। और इस चौगान की बदौलत जो है हमारे यहाँ से बहुत नामी खिलाड़ी जो है वो स्टेट के अंदर और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उन्होंने जो है अपना नाम जो है उन्होंने बनाया है अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर। और आजकल वक्त पूरा बदल गया है। मैं आजकल क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स हो, मिडिल स्कूल्स हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो, तो मैं वहाँ अक्सर जो है मुख्य अतिथि के रूप में जाता हूँ और मैं प्रतिभा जो है मैं बच्चों के अंदर देखता हूँ, मैं आंकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव के बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है। प्रतिभा जो है वो एक भगवान की देन होती है, उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि एक जो समर्थ घर है, जो भला पूरा घर है, उसके बच्चे ही जो है आगे बढ़ते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये भगवान की देन होती है। और शिक्षकों के तौर पर शिक्षकों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो बच्चों को देखें कि किस बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है और फिर उसको निखारें, उसको पॉलिश करें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है उस बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले। अभी हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारे यहाँ से बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई शूटिंग के अंदर एशियन गेम्स के अंदर जा रहे हैं, कोई कबड्डी के अंदर जो है नेशनल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि बच्चे जो हैं बड़े उनमें प्रतिभा है और उनको निखारना, उनको आगे मौका दिलवाना, ये सब टीचर्स का तो फ़र्ज़ है ही है और हम जैसे राजनीतिज्ञों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारी नॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, तो मैं पर्सनल लेवल पर ये इंटरेस्ट लेता हूँ कि अगर उनको हम आगे पहुँचा सकें, उनको हम एक मंच प्रदान कर सकें, हम उन्हें एक मौका दे सकें, ताकि जो उनकी प्रतिभा है वो जो है उसको निखार सके और देश का नाम, प्रदेश का नाम जो है वो रोशन कर सके। ऐसा मेरा हमेशा से ध्येय रहा है। और मैं खास तौर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अभी तकरीबन 8.5-9 महीने हुए हैं उनको हिमाचल की डोर संभाले हुए और उन्होंने बेहतरीन फैसले जो हैं अभी प्रदेश के अंदर लिए हैं। और उसके अंदर एक फैसला ये भी है
क्योंकि आज स्कूल से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, हर जिला के अंदर जो है, हर सॉरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है एक स्कूल जो है ऐसा खोला जाएगा, और वो प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक वो होगा, और वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ लैश होगा। और अभी हम उसकी ज़मीन को जो है चयनित कर रहे हैं, कुछ हमें दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा हमें हमारा काम जो है वो डिले हुआ है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले 6-8 महीने के अंदर या साल के अंदर जो है उस ज़मीन की FCA क्लियरेंस करा के जो है हम अति शीघ्र जो है अगले साल तक उसका जो है नींव पत्र जो है मुख्यमंत्री द्वारा रखवा सकें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारे इलाके के लिए, और जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको जो है इसमें स्कूल में एडमिशन लेके आगे बढ़ने का जो है मौका मिलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के जो है ये आगे आप लोग जो है उसके साथ बढ़ सकेंगे। और साथ ही में मैं बोलना चाहूँगा कि अभी यहाँ मैंने ये एक कार्य यहाँ डांस देखा जो हमारे चंबा का सांस्कृतिक डांस था, और छोटे बच्चे जो हैं, मैं खास तौर पर मैडम को भी बधाई देना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया उन्होंने जो है या प्रोग्राम जो है पेश किया, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं या मिडिल स्कूल लेवल के हैं तो उनको जो है प्रोग्राम रिहर्स करने में जो है आसानी रहती है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को जो है डांस कराना, उनसे गवाना जो है एक कठिन चीज़ होती है, और उसके लिए एक बहुत पर्सनल टच की जो है वो ज़रूरत रहती है। तो मैं सारे जितने भी आपके अध्यापक गण यहाँ हैं, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जितने भी आपके संघ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आप सबको जो है मैं बधाई देना चाहूँगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शिक्षकों में कई स्कूल जो हैं खाली पड़े हैं, और हाल ही में मैं अभी कुछ दिन पहले शिमला से आया हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर जो है JBT की जो भर्तियाँ हैं वो शुरू की जाएंगी, चाहे वो बैच वाइज हो चाहे वो मेरिट वाइज हो 50-50, और ये जो कमी है इसको हम अति शीघ्र जो है हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी भी मेरे पास आए दिन कई इलाके से गांव के लोग आए रहते हैं कि कई स्कूल है जहां एक भी टीचर जो है नहीं है, तो इस कमी को जो है सरकार जो है पूरा करने की जो है सरकार ने ठानी है, और ऐतिहासिक फैसले जो है इस सरकार ने जो है लिए हैं, लेकिन कोई भी फैसला है उसका असर आने में जो है समय लगता है। तो मैं एक बार फिर से, मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो उत्सुक होंगे, 4 दिन से अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और अब घर भी जाना चाहेंगे, वापस जाना चाहेंगे। मैं सबको जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही में जितना भी आपका स्टाफ है जिन्होंने 4 दिन बहुत मेहनत की है, और जो प्राइवेट स्कूल के लोग थे, अभी नाम लिया कईयों का, जिन्होंने ठहरने का व्यवस्था की, क्योंकि ये मिला जुला काम होता है सबका, और सबने जो है मिलजुल के एक बेड़ा उठाया, और आज एक सफलतापूर्वक जो है आज इसका समापन जो है खेलकूद प्रतियोगिता का जो है हो रहा है। तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा, जय हिमाचल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से जो है 21,000 रुपये जो है आज आप लोगों को बच्चों के लिए जो भी आप करना चाहते हैं बच्चों के लिए, मैं चाहूँगा चाहे उनको जिस तरीके से भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ये आपका दायित्व है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं 21,000 रुपये का अनुदान जो है मैं आज ही करूँगा, और
काइंडली मुझे अकाउंट नंबर बता दें जिसके अंदर ये पैसा ट्रांसफ़र करना है, ताकि कल सवेरे जो है ये पैसा मैं आपके खाते में डाल दूं, क्योंकि बच्चे तो शायद आज ही निकल जाएंगे, तो सवेरे जो है चलो जो भी है, जो भी आपको मदद हो सकेगी इससे, और मैं आशा करूँगा कि अगले वर्ष इससे भी ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम हो, और जहाँ भी मेरी ज़रूरत आन पड़ेगी मैं आपके अनसंग खड़ा हूँ, पहले भी था और आगे भी रहूँगा, और अब इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा, धन्यवाद। कृपा ध्यान देंगे बच्चों को, हाई जंप में बच्चे तैयार रहेंगे, फर्स्ट रमजान करती रहनी चाहिए इन बच्चों के लिए, तालियों शॉर्ट फुट में तैयार रहेंगे फर्स्ट सुशील तीसा, सेकंड बंटी क्याणी, थर्ड सूजन करहे, क्रॉस कंट्री में सेकंड रोहित तीसा, थर्ड विजय सुंदरा, क्रॉस कंट्री के बच्चे 50 मीटर्स में फर्स्ट रमजान करहे, 50 उसके पश्चात 100 मीटर्स में रमजान कलेल फर्स्ट, खालिद मोहम्मद तीसरा से, इनको दिया जा रहा है जोरदार तालियां, सेकंड दीपिका तीसा, थर्ड एंजल क्याणी, थर्ड पायल कलहेज, पोजीशन पे रही है तानवी, फर्स्ट रही है ममता तीसा, सेकंड ममता तीसा फर्स्ट, तानवी बनके सेकंड, जिया क्याणी थर्ड, 200 मीटर्स में तैयार रहेंगे, चलिए बेटा शाबाश, सेकंड हसीना सलूनी, थर्ड ममता तीसा, ट्रॉफी के लिए ना बड़ा कुमार की ममता, रुक जा तू, ममता रुक जा तू, तैयार रहेंगे कांड सुंदरा, गर्ल सलोनी कोच साथ में आ जाइए, तो साथ में आइए, कबड्डी वितरण का ये कार्यक्रम चलेगा, डेकोरम बनाए रखें, एक मिनट ये इवेंट करवाने के बाद किसी पता क्या फोटो नहीं, एक चित्र इन बच्चों का लिया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ, वॉलीबॉल गर्ल सेक्शन में फर्स्ट सलूनी, सेकंड तीसा, रनर अप जो टीम रही है कलहेल, हेल
खो-खो गर्ल सेक्शन में फर्स्ट रहे हैं विनर निमरत कलेल विनर रनर अब जो टीम रही है वह है सलोनी चार बैडमिंटन की तरफ बॉय सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम बैडमिंटन बॉय सेक्शन में फर्स्ट रहे हैं खंड सलोनी सर जी बात करनी है बॉय सेक्शन में फर्स्ट रहे हैं खान टीसा गर्ल्स खंड तीसा के बच्चे ये लड़के बॉय सेक्शन में तैयार रहेंगे एथलेटिक गर्ल सेक्शन में विनर तीसा ये बच्चों को बिठा दे नीचे कंडी डंडी चार से वन आपका उसके पश्चात चलते हैं अपने कल्चर इवेंट्स की तरफ सांस्कृतिक महिला के बच्चे प्रथम रहे हैं फोक डांस में और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है खंड भरमौर के बच्चों ने ये कृपया व्यवस्था बनाए रखे कृपया कार्तिक और पल्लवी कार्तिक तीसा में प्रथम रही है मायशा महला उभरती हुई नेत्री है जिला चंबा की जो भाषण में प्रथम आई है द्वितीय स्थान उसके पश्चात एकांकी में वन एक्ट प्ले में फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं खंड द्वितीय स्थान के लिए हरदासपुरा तैयार रहेगा के कर कमलों द्वारा भेंट किया जाए उसके पश्चात किसी का नाम छूट जाए तो कृपया बता दीजिएगा उसके पश्चात जितेंद्र सूर्या जी चंबा उसके पश्चात श्री विजय कटोर जी सह सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा उसके पश्चात परमजीत मेहरा जी सह सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसके पश्चात श्री राकेश वेदी जी सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसके पश्चात श्री दीपक मेहरा अब मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जिन हमने बात खेलकूद प्रतियोगिता को पूरी कवरेज दी है और हमें जनमानस तक जो है वो इस पूरी खेलकूद प्रतियोगिता को पहुंचाया है उनको यहां पर एक समृद्ध श्री जोगिंद्र पाल भोजन की व्यवस्था सुचारू रही है बच्चों को समय रहते भोजन मिला है तो ये पूरा का पूरा खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न चार दिन का यहाँ पे भोजन मुहैया कराया गया है
को समृद्धि चिन्ह जो है वो यहाँ पे भेंट किया जाए। अब मैं शिक्षा अधिकारी से निवेदन करूंगा। मेरा गर्ल्स खोखो, उसके पश्चात वॉलीबॉल, बॉयज कन्वीनर गर्ल्स कन्वीनर, उसके पश्चात चेस बॉयज कन्वीनर गर्ल्स कन्वीनर, उसके पश्चात एथलेटिक्स गर्ल्स कन्वीनर बॉयज कन्वीनर। कन्वीनर आ जाएंगे प्लीज। क्विज अशोक भाई जी आ जाएंगे आगे। कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस मंच पे आकर मुख्य अतिथि के माध्यम से नीचे डाउन होता है ये कार्यकारी जो जिला क्रीड़ा संघ 26वीं खेलकूद जिला खेलकूद प्रयोग प्रतियोगिता जो आज यहाँ समापन हो रही है उसका मैं समापन करता हूँ। आज महोदय के कर कमलों से फ्लैग डाउन किया जाएगा, जोरदार तालियां और आगा अगले वर्ष तक ये झंडा हमारे महासचिव जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मुद्दा उठाने जा रहा है आगामी, इसका मतलब है कि आगामी जो खेलकूद प्रतियोगिता होगी जिला की वो स्यूंता में होगी। जोरदार तालियां खंड स्यूंता के लिए जिन्होंने ये जिम्मेवारी उठाई है।